आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 4 फरवरी से कलेक्ट्रेट परिसर में विधानसभा चुनाव के लिए शुरू होने वाले नामांकन को संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। कराया जा रहा है बैरिकेडिंग। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा, नामांकन को संपन्न कराने के लिए मजिस्ट्रेट व पुलिस कर्मियों की लगाई जाएगी ड्यूटी। सीएम योगी ने गोरखपुर भाजपा के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के साथ की वर्चुअल मीटिंग। कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों एवं उद्देश्यों को सार्थक बनाने में महानगर एवं जिला स्तर पर कार्य कर रहे विभिन्न मोर्चों एवं प्रकोष्ठ का योगदान सरकार के कार्यों का उल्लेख करने एवं समाज तक पहुँचाने में है सार्थक भूमिका। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण मीडिया से हुए मुखातिब। कहा, गोरखपुर की जनता ने 1971 में जिस तरह से पूर्व सीएम जीएन सिंह को उपचुनाव में सिखाया था सबक, वही जनता फिर से इतिहास दोहराने को है तैयार। पांच साथी चोरों को चोरी चौरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का 5 मोटरसाइकिल, 2 मास्टर चाबी, 2 पेचकस, 1 प्लास, 1 लोहे की छोटी आरी किया बरामद। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने किया खुलासा। विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे कार्मिकों का प्रशिक्षण सोमवार को भी रहा जारी। ईवीएम मशीन के संचालन सहित दी जा रही है मास्टर ट्रेनरों के द्वारा अन्य जानकारी। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने वाहन मालिकों से किया अपील। कहा, सड़कों पर ना खड़ा करें अपने वाहन, खड़ा करें वाहन को घर में। सड़कों पर खड़े वाहनों की चोर करते हैं रेकी, फिर करते हैं वाहन चोरी। कोटेदार द्वारा मनमाने तरीके से राशन न देने तथा गाली गलौज और मारपीट करने पर गायघाट बुजुर्ग के ग्रामवासियों द्वारा अपर नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रेषित किया ज्ञापन। कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। जिला प्रशासन ने मामले का लिया संज्ञान। 3 सदस्यीय टीम बनाकर भेजा जाँच को। उनतीस जनवरी को कैंट पुलिस द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करने पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा द्वारा किया गया सम्मानित व उत्साह वर्धन। पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए 14 पुलिस अधिकारियों के सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। सभी को दी गई शुभकामना। कहा, पुलिस की नौकरी के विशेष अनुभव से हम लोगों को देते रहेंगे मार्गदर्शन। माघ मेला स्नान को जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जनपद में लगाई गई है 300 बसें। परिवहन निगम के एआरएम ने दी जानकारी। चार फरवरी से कलेक्ट्रेट में शुरू होने वाले नामांकन स्थल का एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने पुलिस अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। कहा, नामांकन को संपन्न कराने के लिए किया जा रहा है बैरिकेडिंग। पुलिस कर्मियों की भी नामांकन में लगाई जाएगी ड्यूटी। सोमवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 370 केंद्रों पर 24,963 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 5,436 लोग तथा सेकंड डोज लेने वालों में 17,962 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने नागरिकों से की अपील। कहा, आने वाले चुनाव से पहले अपने नजदीकी सेंटर पर पहुंचकर अवश्य कराएं वैक्सीनेशन। माघ मेला व मौनी अमावस्या के स्नान पर राजघाट तथा तकिया घाट पर तैयारियां हुई पूरी। एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, एनडीआरएफ तथा महिला कांस्टेबलों की लगाई गई है ड्यूटी। और गोरखपुर में सोमवार को पाए गए 72 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में घट रही है एक्टिव केस की संख्या। अब एक्टिव केस की संख्या हुई 1,241। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि।